हेलो गाइस, आज क्रूटॉन्स बनाते हैं। आप क्रूटॉन्स इजीली स्टोर से खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ से खरीदे हुए क्रूटॉन्स कभी कभी ज़्यादा हार्ड होते हैं, कभी सॉगी होते हैं। तो आज देखते हैं परफेक्ट क्रूटॉन्स कैसे बनाए जाते हैं। क्रूटॉन्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। अब मैं नॉर्मल ब्रेड यूज़ कर रहा हूँ, कोई फैंसी ब्रेड नहीं यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई फैंसी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मल वो वाली ब्रेड यूज़ कर रहा हूँ जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। वाइट ब्रेड स्लाइसेस ली है मैंने यहाँ पे। अभी ध्यान रहे, ये जो ब्रेड होनी चाहिए थोड़ा स्टेल होनी चाहिए, एक दो दिन पुरानी होनी चाहिए। अगर आप एकदम फ्रेश ब्रेड यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, स्टेल ब्रेड थोड़ी हार्ड होती है, तो आप उसको ईजिली काट सकेंगे। अब मैं इसके एजेस काट लूँगा, आपके ऊपर है। अगर आप एजेस रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी बना सकते हैं। एजेस काटने के बाद मैं इसको डाइसेस में काट लूँगा, अपने अकॉर्डिंग आप साइज रख सकते हैं इसका। तो देखिए, मैंने ब्रेड को डाइसेस में काट लिया है। अब मैं एक बोल में थोड़ा सा मेल्टेड बटर ऐड कर लूँगा, इसमें थोड़ा सा मिंस गार्लिक ऐड कर लीजिए, ये ऑप्शनल है। अगर आपको गार्लिक अच्छा नहीं लगता अपने क्रूटॉन्स में तो मत ऐड करिए गार्लिक, कोई भी हर्ब्स अपने पसंद के डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ड्राइड पार्सले डाल रहा हूँ, अगर आपके पास फ्रेश पार्सले आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइड थाइम डाल रहा हूँ मैं, इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जो आपने ब्रेड काटी है वो इसमें डाल दीजिए। इसमें ऐड करूँगा मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि बटर हर एक ब्रेड को कोट कर सके प्रॉपरली। अब जो ब्रेड मैंने मिक्सचर में कोट करी है, इसको मैं एक बेकिंग शीट में डाल लूँगा। ये बेकिंग शीट के ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है, इसको आप ऐसे स्प्रेड करके रखिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अब हम इसे प्रीहीटेड ओवन में 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बेक होने के लिए रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम चेक करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए, 10 मिनट बाद मैंने क्रूटॉन्स निकाल लिए हैं। अभी इसको थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए और उसके बाद क्रंची फुल ऑफ फ्लेवर्स क्रूटॉन रेडी। आप इसको सूप में डाल सकते हैं, सैलड्स में डाल सकते हैं, बहुत सारे यूसेज हैं इसके। अब आप क्रूटॉन्स घर में बना सकते हैं।